जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। जो लिया कलेती और नेहरू जी के बीच में जो समझौता था, वो समझौता पाकिस्तान और उसके बाद 71 के बाद बांग्लादेश उसका अमल नहीं किया है, उसका कारण से वो लोग वापस आए। इसके लिए हम, हमारा सरकार जनता को विश्वास देके, हम वोट लेके जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आए, जो बात जनता के सामने बोले हैं वो बात निभाने का जिम्मेदारी हमारा बनता है। हमारा को मेजॉरिटी है, हमारा को करने का अधिकार भी है, जनता हमारे को अधिकार दिया है, वो अधिकार एक कंस्टिट्यूटिव अधिकार हम इसका द्वारा हम निर्णय किया है। आज बहुत जगह इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश जो आंदोलन करने का प्रयास कर रहे, उसके पीछे राजनीतिक पार्टियां, उसके ऊपर आंदोलन को वायलेंस करने का प्रयास कर रहे। आज तक कांग्रेस पार्टी वायलेंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी 140 और 135 का साल का हिस्ट्री है, ऐसा बताता है। देश के बहुत बड़ा पार्टी हमारा है, पुराना पार्टी है। हम दे आप लोग देश को 60-70 साल राज किया है। कांग्रेस पार्टी कभी राज नहीं, शासन नहीं किया, राज किया है भारत में। ये राज करने वाला पार्टी अगर वायलेंस हो गए तो सभी राजनीतिक पार्टी का, सभी बुद्धिजीवियों का, सभी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी बनता है शांति के लिए अपील करना चाहिए, शांति कायम रखना चाहिए, पहला स्थापित शांति स्थापित करना चाहिए। मगर उस विषय पर ध्यान ही नहीं देते, आप लोगों को भड़का रहते, लोगों को भड़का कर वायलेंस करवाने के लिए प्रयास कर रहे। ये देश का हित का नहीं है। देश एक गंभीर समस्या पे आगे बढ़ रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक इकोनॉमिकल पावर बनाना चाहते हैं, देश में रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे समय पे विपक्षी पार्टी समर्थन करो, अगर समर्थन करने का इच्छा नहीं तो घर में बैठो, मगर देश में झूठा प्रचार करके, गलत प्रचार करके, रोमर्स फैला के वायलेंस करवाना देश का हित का नहीं है, आप लोगों का हित का भी नहीं है, अपने बच्चों का भविष्य का भी हित का नहीं है। क्योंकि आज जो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है भारत में, उसको गुमराह करना, उनको गलत रास्ते पे ले जाना, झूठा प्रचार करके भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ ले जाना, ये ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ा क्राइम ये लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्राइम। देश का सर गद्दारी बोलते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं। आज अभी अभी वो स्टेटमेंट दिया है, एनआरसी सीएए ये दोनों टैक्स बढ़ेगा उसके द्वारा, ये दो अमेंडमेंट एक्ट के कारण देश में टैक्स बढ़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट देते हो। एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, राहुल गांधी जी को पता नहीं। नहीं, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, राहुल गांधी जी को पता नहीं। गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं जीएसटी को, सीएए जीएसटी एक ही है वो समझते हैं। अभी बहुत दुर्भाग्य है, सीएए मीन्स
जो जीएसटी है, ये दोनों का कारण लोगों में टैक्स बढ़ेगा, टैक्स नहीं भर सकते, ऐसा राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं। मैं राहुल गांधी जी, कौन आपको, कौन सा पंडित आपको ट्यूशन दे रहे, पूछे पता नहीं मालूम। अच्छे व्यक्ति के पर ट्यूशन लो, समझो, पहला देश को समझो, पार्लियामेंट को समझो, एक्ट को समझो, उसके बाद रोड के ऊपर आओ। एनपीआर मेरे पास, अभी आप सब लोगों को मैं बताता हूं, मेरे पास वीडियो है, जब वो होम मिनिस्टर चिदंबरम जी, उनका इंटरव्यू है एक बड़ा टीवी के एक सामने, मेरे पास है अभी वो। एनपीआर रहना जरूरी है, एनपीआर हमारा सरकार लागू कर रहे, ऐसा वो स्टेटमेंट दिया है। आज वही पार्टी कांग्रेस पार्टी एनपीआर बोले तो एनआरसी ऐसा बताए। कांग्रेस पार्टी के जमाने में एनपीआर लाने के लिए प्रयास किया, 2011 में एनपीआर को लागू किया है कुछ प्रदेशों में। 2011 में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं, ये निर्णय सेंसस के साथ साथ एनपीआर का डिटेल भी लेना चाहिए, ऐसा निर्णय किया है। आज भारत सरकार 2021 में सेंसस लेने का, एनपीआर लेने का निर्णय किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एग्जांपल मैं बताता हूं, ये एनपीआर का सेंसस में अगर कोई एम्प्लॉय मैं नहीं आ सकता ऐसा भी नहीं बोल सकते, उतना कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।